छोटी सी सामग्री जो आपके अपने किचन से मिल सकती है, आपके हर घर में होगी, गरीब हो या अमीर, हर घर में एक सामग्री अवेलेबल है। उस सामग्री से आज मैं आपके अपने जीवन में वो सब कुछ दिलाने की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से तुम दिन रात परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिन दिन नहीं है और रात रात नहीं है, तुम्हारा चैन खो गया है, तुम्हारा मन मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं यहां रोज आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पत्य लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को सुव्यवस्थित किया जाता है, या यूं कह ले उसमें आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। प्यार तुम्हारी जिद हो तो भी, प्यार तुम्हारी कमजोरी हो तो भी, प्यार में तुम्हारा अस्तित्व दांव पर लगा हो तो भी, तुम्हारा मान सम्मान बीच में आ रहा है तो भी, घर परिवार की अव्यवस्थाएं हैं तो भी, और पार्टनर की तरफ से कोई दिक्कतें हैं तो भी, बसरते प्यार सच्चा होना चाहिए। तुम्हारे सच्चे प्यार में पूरी आज मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शादीशुदा लाइफ में, या तुम्हारे रिलेशनशिप में, या तुम्हारे अपने पर्सनल रिलेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आज का दिन आपका है। आज मैं कह रहा हूं कि एक छोटी सी सामग्री जो आपके अपने किचन से मिल सकती है, आपके हर घर में होगी, गरीब हो या अमीर, हर घर में एक सामग्री अवेलेबल है। उस सामग्री से आज मैं आपके अपने जीवन में वो सब कुछ दिलाने की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से तुम दिन रात परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिन दिन नहीं है और रात रात नहीं है, तुम्हारा चैन खो गया है, तुम्हारा मन मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी अव्यवस्थाएं चरम पर बढ़ चुकी हैं, वो सब चीजें ठीक कर दी जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा रिलेशन अगर मलिन हो गया है, अगर तुम्हारा रिलेशन भ्रम है, अगर तुम्हारे रिलेशन में भय है और संदेह है, चाहे वो डाउट का भय हो, चाहे किसी का हो जाने का भय हो, चाहे उसके झूठ बोलने का भय हो, चाहे उसके फरेब का भय हो, चाहे उसकी मलिनता का, उसकी गंदगी का, उसके बुरे सोच का, उसके बुरे विचारों का, या उसके बुरे स्वभाव का, उसके नेचर का, उसके व्यक्तित्व की बात हो, चाहे वो मलिनता हो उसके मन मस्तिष्क में, उसके सोच में, विचारों में, बातों में, या उसके व्यवहार में, या उसके जीवन में छल प्रपंच, आडंबर हो, दिखावा हो, प्रदर्शन हो, और केवल फरेब पर और झूठ पर रिश्ता रखा गया हो, बोला कुछ और गया, निकला कुछ और, बताया कुछ और गया, हुआ कुछ और, और अगर इंसान अचानक अपना असली रंग रूप दिखाने पर अमादा हो जाए, आप किसी भी रिश्ते से बाहर आना चाहें या बाहर गए रिश्ते को फिर से वापस पाना चाहें, ऐसी सारी की सारी कंडीशंस पर आज हम सोल्यूशन दे रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप अपनी व्यवस्था से बना पाओगे। आज हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से हो पाएंगी, और इसके लिए समय बहुत नहीं चाहिए, कुछ मिनटों में ही आपके जीवन से ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में खड़ी होंगी। अब आपको करना यह है कि थोड़ा आटा लेना है, और आटा इतना लीजिएगा कि पूरे शरीर में अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाए तो लग जाए। उसके बाद थोड़ा सा उसमें बेसन डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, और बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। इन सब चीजों को आप कच्चे दूध से या साफ पानी से मिश्रित कर लें। मिश्रित करने के बाद वॉशरूम में जाकर के पूरे शरीर में, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा शरीर, पूरे के पूरे शरीर में लगाइएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। अपना दिमाग मत लगाइएगा इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत की एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो आपको बताना बहुत आवश्यक है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंते कांतेव चाभिर्म यदि चपनीव खेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। माता ने एक पुत्र से कहा
कि कल प्रातः स्नान करके तुम पूरी तरह से निर्वस्त्र होके मेरे सामने आना। पुत्र ने कहा, जो आज्ञा माता। दूसरे दिन उसे लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत जानकार हूं, तो उसने क्या किया कि माता के सामने निर्वस्त्र गया तो, लेकिन उसने नीचे वाले हिस्से में, कमर के हिस्से में केले के पत्ते लपेट लिए। अब ये मैं बात कर रहा हूं माता गांधारी की, और जो वहां से थोड़े बुद्धिमान बन गए थे, जिनकी बुद्धि और विवेक तो लोगों के अपने अपने दिशा में चलती, उनका नाम दुर्योधन था। माता गांधारी ने अपने जीवन में पहली बार पट्टी खोली और उसको देखा, उसका पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। पूरी दुनिया में जहां जहां माता की आंखें पड़ गई, उसकी माता की तपस्वी थी वो, उन्होंने अपने पति के लिए पट्टी बांधी और फिर कभी कुछ नहीं देखा। पहली बार कुछ देखा वो अपने पुत्र को देखा, जहां जहां उनकी आंखें पड़ी, जहां जहां रोशनी पड़ी, निगाह पड़ी, वो पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। नहीं हुआ तो उनका कमर के पास का हिस्सा और उनकी जांघें। दूसरे दिन भीम से युद्ध हो रहा था, तो बस भीम ने उसके कमर के पास जांघ में ही प्रहार किया तो वो मरा, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर तो उसका वज्र का हो गया था। तो अगर वो अपनी मां की बात मानता, अगर वो पूरी की पूरी बात मानता, अगर एज इट इज बात को स्वीकार करता, तो शायद वो नहीं मर पाता। इसीलिए कहते हैं, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करहु शुभ जानी। क्या? माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए, जो कहे एज इट इज करना, अपना दिमाग मत लगाना। इसीलिए कह रहा हूं पूरे के पूरे शरीर में। अब आपको समझ आ गया होगा, पूरे के पूरे शरीर में उसको उबटन के जैसा, यानी पूरे के पूरे शरीर में लगा करके और उसको कस के मल के उसे फिर से निकाल देना है। कस के आप रगड़ोगे, पहले लगाओगे और रगड़ोगे तो वो छूट कर नीचे गिरेगा। अब करना यह है कि पूरे शरीर में घिसने के बाद, मलने के बाद जो नीचे गिरा है, बस उसको आप उठा करके एक पिंड जैसा बनाओ और उस पिंड में नाक मुंह हाथ पैर सब बना देना। किसी भी मिट्टी के बर्तन में या कागज की प्लेट पर उसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको करना यह है कि बस उसी के ठीक सामने, जहां पर हाथ पैर बनाए होंगे उसी जगह पे एक छोटा सा खड्डा करिए और उसमें कपूर जलाइए। कपूर जलते हुए ही अपने ऊपर से 3 बार उतार लीजिए और उतारते समय बोलिएगा जो मैं कह रहा हूं। वो एक शब्द है मात्र, उस शब्द मात्र से आपकी सारी की सारी मनशा, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, किसी की मलिनता समाप्त करनी है, किसी का दिमाग ठीक करना है, किसी की बुद्धि ठीक करनी है, किसी को स्टैंड लेने की क्षमता देनी है, किसी को उसके घर वालों के सामने, उसके परिवार वालों के सामने उसकी ताकत आए, उसको उसको उतनी उतना बल आए, ये करवाना है। जो भी चीज आप चाहते हो, जो भी कुछ आप चाहते हो, जैसे भी आप चाहते हो, वो सब आप बोल डालना और बोल के 3 बार ये शब्द बोल करके अपने ऊपर से 3 बार उतारिएगा और इसे साइड में, बाथरूम में ही साइड में तब तक रखे रहने देना जब तक वो कपूर जल ना जाए। आप स्नान स्नान करें, अपने आप को ठीक करें, सुव्यवस्थित करें, उसके बाद इसको कहीं भी गंदी जगह में उठा करके डाल दीजिएगा। मात्र इतना करना है, अब वो शब्द समझ लीजिए जो आपको अपने आप को उतारते समय बोलना है। ओम रिगणम रिक्तम स्वाहा। क्या बोलना है? ओम रिगणम रिक्तम स्वाहा, ये शब्द बोलना है। इस शब्द को बोलते ही आप के अंदर एक नई ऊर्जा, नई तरंग, नई शक्ति बढ़ेगी और बुरी चीजों को त्वरित नष्ट करेगी। ये प्रयोग, ये संसाधन, ये व्यवस्था आप किसी भी दिन कर सकते हो। प्रातःकाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसके बाद स्नान करना है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। गुरु का आदेश बहुत आवश्यक होगा। आपके इष्ट की शक्ति और उसकी महिमा आपके प्रति होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये उपाय अधिक काम करेगा। सच मानना, करते ही बेनिफिट होता है। अभी तक हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। बहुत मन से, बड़े श्रद्धा से करना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे, तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि करे। पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, अपने आप को बेहतर बनाना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, और हां, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।
त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सदगुरु नाथ जी महाराज के मुखारविंद से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202, 6391292929।